अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। अगर तो आप लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं तो मेरी इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपके फेस पे स्माइल तो ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने एक ऐसा क्लिप डाला है जो किसी के भी फेस पे स्माइल ला सकता है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चले आए हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो आज मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना था, लेकिन मैंने ने नाश्ते में सारा जैम सोफे पर लगा दिया। तो मैंने थोड़ा सा सोफ़ा साफ़ करने बैठी तो सोचा सारे ही साफ़ कर देती हूँ, और साथ में मैंने इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये 2 मिनट में बाहर नहीं रुके, दोनों अंदर आ गए और फिर उनको कार्टून लगा के दिया ताकि ये मुझे खाना बनाने दें। तो आज मुझे कीमा और शिमला मिर्च का सालन बनाना था। तो यहाँ पर मैंने कीमा जो है वो मैं घर में ही बनाती हूँ, तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे कीमा बनाया। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाते हुए आप लोगों से बात कर लूँ। यहाँ पे मैंने कीमा बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन करके उसको ब्लेंडर में डाला है। अब फिर उसको अच्छी तरह पीस के उसको मैंने दोबारा से पतीले में डाला, और उसमें सारे घर के जो गरम मसाले होते हैं मैंने वो डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसके बाद मैंने चिकन का कीमा उसमें ऐड कर दिया और उसे अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद मैंने उसमें हल्दी, नमक और जो धनिया पाउडर होता है वो डाला। मैंने लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि मुझे बच्चों के लिए अलग करना था। यहाँ पे मैंने साइड पे बच्चों के लिए थोड़ा सा कीमा अलग किया ताकि उसमें मिर्च नहीं हो। फिर मैंने उसमें कुटी हुई मिर्चें और लाल मिर्च डाली, और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा शान का जो कीमा पैकेट होता है मैंने वो डाला। बच्चों का कीमा मैंने आलू ऐड कर दिए थे क्योंकि वो आलू शौक से खाते हैं। और उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी बना के मैंने उसमें ऐड कर दी दोनों में, और उसको हल्के आँच पर रख दिया। भुनने के बाद मैंने उसमें शिमला मिर्च ऐड किया और थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि शिमला मिर्च जो है वो नरम हो जाए और हमारा सालन जो है वो नीचे नहीं लगे। मैं लॉन्ड्री भी कर रही थी जिसमें दोनों बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे। लॉन्ड्री के बाद हम दोनों बच्चों को ऊपर ले गए ताकि मैं इन लोगों को शावर दिलाऊं और थोड़ी देर इन लोगों को नैप कराऊं, क्योंकि सुबह से बेचारे बहुत बोर हो रहे थे। तो दोनों को नैप लेना बहुत ज़रूरी था ताकि ये शाम में फ्रेश हो जाएं। टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चे इतने छोटे होते हैं और कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लिटरली मुझे इन दोनों का नहीं पता कि ये लोग इतने बड़े कैसे हो गए। सोचती हूँ तो लगता है कल की बात थी कि दोनों पैदा हुए थे और आज माशाल्लाह दोनों इतने बड़े हो गए हैं। बच्चे हर घर की रौनक हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बस कि अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा। यहाँ पे मैंने दोनों को रेडी किया है और थोड़ी देर के लिए सुला दिया। साथ ही मैंने जल्दी जल्दी सूप रेडी किया, और फिर मैंने हस्बैंड को कह दिया था कि वो ग्रॉसरी ले आएँ क्योंकि मैं नहीं जा सकी थी, क्योंकि मुझे चीज़ें कुछ चाहिए थी। फिर मैंने बच्चों के लिए नगेट्स फ्राई किए और हस्बैंड के लिए समोसे फ्राई किए।
समोसों के साथ यहाँ पर मैंने एक सॉस आप लोगों को दिखाया है, ये बहुत टेस्टी है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये पाकिस्तान का ही है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। कीप स्माइलिंग। दो।